एक जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात होती है ना, राजा का बेटा राजा बनेगा जैसी चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंट आपके साथ लोगों ने जोड़ा। देखिए, जाहिर सी बात है कि जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को वैसे भी पसंद नहीं करते हैं, वो मुझे पसंद तो करेंगे नहीं। क्या अभी जब आप कैंपेन करते हैं या उसके पहले की जब आपकी पॉलिटिक्स रही है pre-2019, उसमें कभी ये जिक्र आया या कभी आपके प्रतिद्वंदियों ने ये सवाल आप पर उठाया, आप भी तो NDA के साथ जाके मंत्री बने थे? वो तो हर मतलब उनके हर तकरीर में इसका जिक्र होता है। कश्मीर के वो सारे नेता जो 370 के एब्रोगेट किए जाने से खफा थे और इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे डेमोक्रेटिक तरीके से, वो साथ में एक मंच पे आए, फिर अब गुपकार अलायंस का कोई नाम लेवा ही नहीं दिखता। हमारे लिए गुपकार अलायंस एक इलेक्टोरल अलायंस था नहीं। कई महबूबों से मुलाकात हुई आपकी, कितनी हेल्दी बातचीत है आप लोग के बीच में? बातचीत हम ज्यादा करते नहीं है। 370 क्या नहीं हटना चाहिए था? 370 अहम उसका एक पिलर है, शायद उसके बिना जम्मू कश्मीर जो है इस मुल्क का हिस्सा नहीं बनती। 370 वापस आएगा? जल्दी में नहीं होगा, अगर होगा भी तो बहुत वक्त लगेगा। मैं 370 पे इसलिए भी बातचीत कर रहा हूँ उमर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं आप एक राज्य को बंधक बना के नहीं रह सकते, आपको चुनाव करवाने होंगे वहाँ। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक मौजूद टिप्पणी भी की थी, वो टिप्पणी ये थी कि वो 370 अस्थायी फैसला, उसको हटना ही था। हम आमतौर पर मानते हैं कि 15 अगस्त 1947 दो मुल्क पैदा हुए, हिंदुस्तान पाकिस्तान, लेकिन हकीकत में तीन मुल्क पैदा हुए। 370 के बाद के नॉर्मेलसी को नापने का उमर अब्दुल्ला के लिए या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यार्डस्टिक क्या? क्या पीस आया है? जिन लोगों को इस पिछले 5-6 सालों के दौरान गिरफ्तार करके जम्मू कश्मीर के जेलों के बाहर रखा हुआ है, अगर वो छुट के वापस आ जाएं, क्या हालात इसी तरह नॉर्मल रहेंगे? क्या ये नॉर्मलसी उनकी गिरफ्तारियों का नतीजा है? अगर है तो फिर लोगों के दिलों में कोई खास बदलाव आया नहीं है। सत्यपाल मलिक को हाउ डू यू फाइंड हिम एज अ पर्सन? आप जिस आदमी के हाथों 5 अगस्त वो 370 का सहारा हुआ, उसके बारे में मैं कम ही कहूँ तो बेहतर है। वो तो ये कहते हैं कि भाई हमको तो पता ही नहीं था, मुझे एन मोमेंट बताया गया। मैं मानने के लिए तैयार हूँ उनको पता नहीं था, दस्तखत क्यों किया आपने? बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आप अपने स्टैंड पे कायम है इंजीनियर रशीद को लेकर, आप जैसा बोलते हैं उसका नोशन आता है कि अरे ये तो BJP के रहमो करम पे बाहर आए हैं। UAPA में कितने लोगों को बेल मिलता है? आज हम उन लोगों का जिक्र कर सकते हैं जिनकी तारीख भी सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आई। एक बड़ा हिस्सा बार बार चिंता जाहिर करता है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत अत्याचार हुए, और आपका मैं एक स्टेटमेंट पढ़ता हूँ कि कश्मीरी पंडितों के लिए मुझे जितना करना चाहिए था मैं उतना नहीं कर पाया। हाँ, लेकिन मौजूदा हुकूमत से ज्यादा हमने किया। बहुत सारी सीटों पे NC और कांग्रेस आमने सामने खुद एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस चर्चा में कितना सच? लेकिन अब इसमें थोड़ी सी सच्चाई तो है। आप नए वाले LG से कितनी बार मिले हैं? मनोज सिन्हा जी से एक शादी में जरूर मिला हूँ, उसके अलावा शायद एक बार एयरपोर्ट में, उसके अलावा नहीं। कैसे हैं वो एज अ पर्सन, आपको कैसे लगे? थोड़े से मतलब भटके रहते हैं, यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तो 20-25 मिनट श्रीनगर की सड़कें बंद की जाती हैं। इतना तो मैंने दिल्ली में प्रधानमंत्री के लिए नहीं देखा जितना मैं यहाँ जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के लिए देखता हूँ। जब आप CM थे तो इतना लंबा कॉन्वॉय जा रहा था? ट्रैफिक लाइटों पे रुकता था। अफजल गुरु याकूब मेमन की फांसी पे आपके कमेंट थोड़े से इस पे इन दिनों खबर बने पिछले 2 हफ्ते में, क्या लगता है आपको? क्या आपको लगता है कि इनकी फांसी का कोई फल नहीं निकला? जो हुआ सो हुआ, मेरे जवाब देने से वो वापस नहीं आएंगे। गाना गाते हैं आप? पिताजी गाते हैं आपके? गाना नहीं गाते सर? मैं गाना नहीं गाता। कोई तो बताया था कभी कभी गाते हैं? ना, कभी नहीं। वरना मैं पूछता कि सुना दीजिए ऐसा? नहीं नहीं, वो इसलिए मैंने इसलिए पहले ही जवाब दिया ना, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं कहता आज ही मैं गाता हूँ, आप कहते चलिए फिर गा के सुना। अरे मैंने इसलिए कहा ना, मुझे भी 20-25 साल हो गए ये करते हुए।